तो आज हम बात करेंगे दोस्तों V4 V3 समरसेबल पंप के बारे में, जो कि कितने इंच बोर में जाएगा पूरी डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे समरसेबल पंप की अनबॉक्सिंग। देखिए, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई क्या होगा, कैसे क्या करना है, कौन सा पंप कितने इंच में चलेगा, तो वो सब मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद चलो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास दो पंप है। एक तो है ये वाला V3 का, जो कि है 13 स्टेज सिंगल फेस में। साफ साफ ऊपर डब्बे पे लिखा हुआ है V3 का, जो कि है अपना जिंदल गोल्ड का। और ये है मेरा V4 का, जो कि है 10 स्टेज सिंगल फेस। ये जो है दोस्तों, ये V4 का पंप जो होता है, ये डलता है 5 इंच की क्रेसिंग में। यानी कि अगर आप टेप से नापेंगे तो 5 इंच की क्रेसिंग में डलता है। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को अनबॉक्स करता हूँ और टेप से बकायदे आपको नाप के इसकी मैं साइज़ दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ अपना V3 का पंप। पंखी हम पहले बाहर निकालते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको मोटर। V3 दोस्तों साइज में जो होता है पतला होता है, जो कि 3 इंच से थोड़ा छोटा होता है, पतला होता है। यानी कि कहना चाहिए तो 3 इंच ही होता है। ये देखिए, इसकी जो पंखी है 13 स्टेज की है, 13 एम्पियर लगे हुए हैं इसके अंदर। और मैं अभी उसके टेप भी नाप के दिखाऊंगा आपको। और ये है मोटर, इसकी मोटर का साइज़ भी देखिए एकदम पतला है, 3 इंच का। यानी कि ये 4 इंच की क्रेसिंग के लिए पर्याप्त है। आप 4 इंच की बोर में अगर आप डालेंगे तो ये मोटर जो है 4 इंच की क्रेसिंग में जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, एकदम 3 इंच की मोटर है। अभी इसके नीचे से मैं नापूँगा आपको, दिखाऊँगा नीचे का जो बॉटम साइज होता है वो कैसा है। ये देखिए, बॉटम साइज जो एकदम फिक्स 3 इंच, ये देखिए एकदम फिक्स जो है 3 इंच का है। यानी कि ये 4 इंची क्रेसिंग के लिए पर्याप्त पंप है। यानी कि 4 इंची में आप इसे डाल सकते हैं बड़े ही आराम से। 3 इंची में नहीं जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा कि इसमें अभी केबल लगेगी, रस्सा लगेगा, पाइप लगेगा तो हो सकता है फंस जाए। ये जो 4 इंच की क्रेसिंग है, इसके लिए ये पंप पर्याप्त है। आप इस पंप को इस क्रेसिंग में डाल सकते हैं। मैं क्रेसिंग का भी साइज अभी आपको नाप के दिखाऊंगा। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको V4 का पंप। तो इसे भी सबसे पहले कर लेता हूँ अनबॉक्स। ये देखिए साइज़ देखिए दोस्तों, इसका साइज जो है ये है टोटल 4 इंच का। यानी कि ये जो पंप है ये डलेगा 5 इंच की क्रेसिंग में। 5 इंच की क्रेसिंग में इसलिए डलेगा, 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं दोस्तों कि इसमें रस्सी और केबल का भी फंडा होता है, जो कि आप जानते ही होंगे कि हॉर्स कॉलर के ऊपर अपन हॉर्स कॉलर में जो है रस्सी वगैरह बांधते हैं, जिसके थ्रू पंप अपना लटका रहता है बोर के अंदर। तो वो साइज़ बढ़ जाता है और केबिन का साइज़, इसलिए थोड़ा 1 इंच अपन बढ़ा लेते हैं कि मोटर जो है क्रेसिंग में कहीं फंसे ना, बोर में कहीं मोटर जो अपनी फंसे ना। ये देखिए, इसका साइज भी एकदम 4 इंच है, 4 इंच से 1.5 पॉइंट छोटा है, लेकिन मान लीजिए वो 4 ही है, जो कि आपको 5 इंच की क्रेसिंग में जाएगा। तो ये मैं दोनों पंप को कंपेयर करके आपको दिखा दिया हूँ दोस्तों। तो मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप बताइएगा। और अगर अपन अलग अलग कंपनियों का अलग अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो तो मेरी और भी वीडियो पड़ी हुई है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको लास्ट में भी उसके डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, क्रेसिंग नाप लेते हैं। तो ये देखिए, ये है क्रेसिंग, जो कि 4.1 इंच, 4 इंच की क्रेसिंग है, 4.1 इंच की होती है, जिसमें जाएगा हमारा V3 का पंप। आप V3 का पंप इसमें बड़े आराम से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो V4 का पंप होता है वो आप 5 इंची के में डालेंगे। तो आशा करता हूँ मैं जो समझाना चाहता था, जो बताना चाहता था, आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। और जो भी समस्या हो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहें। और अभी तक आपने मेरी इस अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं देखी तो राइट वाली या लेफ्ट वाली आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।